बैठ में चोदी है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग है हेलमेट पहन के, क्योंकि मैं किसी को लेने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले चलते हैं लेने और फिर आगे की बात करते हैं। हेलो सो गाइज, जिसका वेट था वो आ चुका है। ये है शिवानी, आपने हमारी बहुत सारी वीडियोज़ देखा डांस वीडियोज़ में, अब से ये मेरा ब्लॉगिंग पार्टनर है, ऑफिशियल ब्लॉगिंग पार्टनर। मतलब वैसे तो काफ़ी सब लोग से कोलैब करूँगा, बट ये मेरा ऑफिशियल ब्लॉगिंग पार्टनर है। आपको ना इंट्रोडक्शन दो, सब जानते हो तुम सब, और मैं अब सारे व्लॉग्स में दिखूंगी। तो गाइस, हमारा तीसरा मेंबर आ चुका है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कि सबसे फेमस शॉप जो है शर्मा का छोटे वाला, ठीक है? शर्मा का छोटे खाएंगे और बताएंगे रिव्यू कैसा है। अच्छा, तुम खा सकती हो? है, नहीं खा सकती, हम दोनों खाएंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। तो गाइस देखो, ये दोनों जा रहे हैं। क्या खा रहे हो तुम लोग? शर्मा जी की कचौड़ी। ये जो इंसान दिख रहा है ये बहुत कचौड़ी खाता है, दैट्स व्हाई ही इज लाइक कचौड़ी। ये हमारी कचौड़ी आते हुए, मैंने सोचा है मैं भी कचौड़ी खाने वाली हूँ। Wait a minute, who are you? खा सकती हो? कैसा है टेस्ट? मस्त मीर टेस्ट बहुत आंसू है, और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर जब भी आओ जरूर खाना, क्योंकि यहाँ की फेमस है शर्मा का चोड़ी वाला। यहाँ पर जब भी आओ तो कचौड़ी जरूर खाना। 28 रुपीज़ में कचौड़ी, फर्स्ट टाइम खाई करी, बहुत यम्मी। अभी हमने आपको फर्स्ट खाने वाली जगह दिखा दी, यहाँ की जो बहुत फेमस है वो शर्मा का चोड़ी, ठीक है? अब सेकंड जगह है वो है गोपाल स्वीट्स, और यहाँ वीकेंड पे तो बहुत भीड़ होती है, आज इतनी भीड़ नहीं होगी। देखते हैं वहाँ से कुछ लेंगे और खाएंगे, चलते हैं। म्यूजिक तो गाइस, अभी हम आए हैं पंटा पीने। आपका ट्रिक सिखाता हूँ आज। पहले ना मैं ऐसे करके पीता था, तो क्या होता था कि कंचा ना सीधा ऊपर आता था, तो ये निकलती नहीं थी। यहाँ पर ना एक लॉक होता है, यहाँ पे कंचे को ऐसे अटका दिया, अटक गया और फिर से एक चीज जाननी है कि इसके अंदर कंचा जाता कैसे और ये निकलता कैसे, आज तक नहीं पता चला। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता। अंकल, ये कंचा इसके अंदर जाता कैसे है? देखो पूछ रहे हैं। हैं? अंकल जवाब नहीं दे रहे। तो वही तो, अंकल को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, भगवान को पता ये राज कि इसके अंदर कंचा गया कैसे। बट आप जब भी कुछ सलावा खाओ तो ये बंटा पिया करो, पेट के लिए अच्छा होता है, ठीक है? ये है स्पार्क मॉल। तो गाइस, सबसे पहले हम आए थे यहाँ पे मॉल में, भावना की याद आ गई क्योंकि यहाँ पे लिखा है चाय ठेला। भावना तेरे लिए चाय ठेला रे। तो ये है स्पार्क मॉल, ये कुछ ऐसा दिखता है, और नीचे भी कुछ ऐसा है, ऊपर भी है इसका थर्ड फ्लोर। सो गाइस, जो ये आप कट देख रहे हैं ये है बिरला मिल का, ये लाइन बिरला मिल जा रही है, और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में शॉप्स है, आगे शॉप नहीं है। Hey girls, तो अगर तुम लोग यहाँ पे सोच रहे हो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो तुम लोगों को कमरा नगर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सो गाइस, ये दोनों इतने भूखे इंसान हैं ना कि इन्होंने अब पापड़ ले लिया। चना ठुक मत जाना, मिहिर मेरे को बचाने के लिए है यहाँ पे, इसी के साथ मिहिर ने दिया मुझे धोखा। कैसा है? जैसा होता है। ये भैया, अच्छा इसे बोलते क्या शिवानी? राम लड्डू। हाँ, राम लड्डू बोलते हैं, राम लड्डू तो मीठे वाले होते हैं। हाँ, मूंग की दाल का लड्डू तो ठीक ठीक जैसा होता है, टेस्ट कुछ खास नहीं, नॉर्मल टेस्ट जैसा होता है। गाइस, हम बनाने का नगर मार्केट का ब्लॉग आए थे, बट हमने फूड ब्लॉग बना दिया शिवानी, फूड ब्लॉग बन गया गलती से। सो गाइस, ये है मेरी फेवरेट चीज़, और ये लोग ओए इधर आओ, बताओ कैसा है एक्चुअली चैनल में नहीं खाती।
हमने 20 रुपये के लिए हैं और भैया रेडी छोड़ के चले गए, भैया खुले नहीं मिले। भैया कहाँ हैं भैया, भेज रहो। अगर भैया हमारे पैसे लेके नहीं आए तो इनकी थैली आज से मेरी हुई और मैं बहुत अमीर होने वाली हूँ इसको लेके। मेरा आप मेरा साथ दोगे? वी आर पार्टनर्स। शिवानी की भी सब देख सकते हो, पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, ये बता चलान काट रहे अगर मास्क ना पहनो, इसलिए हम ना खा नहीं रहे यहाँ पर, बाद में खाएंगे भी। तो गाइस यहाँ पर ना दिवाली के टाइम बहुत मस्त डेकोरेशन होती है, अभी नहीं हुई है, लाइट्स वाइट्स की बहुत तगड़ी डेकोरेशन होती है। जब होगी ना तो मैं वो भी स्टोरी वोरी पर डालूंगा इंस्टाग्राम पे, और आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, स्टोरीज डालते रहते हैं, अपडेट वहाँ सब मिलती रहती है। तो इसकी इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? @shizubenival और @nsquarenitin, तो दोनों को फॉलो करना, नीचे हैंडल्स आ गए हमारे, ठीक है। आफ्टर व्लॉग ये सब हरकतें करने आए हैं यहाँ पर, ये पहली बार ये मशीन यूज़ करते हुए। ये घर से खाना आ चुका है और खाना लाने वाला ये है घर का खाना। शानी इसका क्या रिव्यू देना चाहोगी? ये खाना सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये इस खाने का क्या कहना चाहोगे? इसको एक लाइक मिलता है मेरी तरफ से। एक ही मिलता है भाई सबको? हाँ तो हार्ट दे दो। देखो गाइस मैं आपको चीज बताता हूँ, अभी इस लड़की से ना मिहिर के हाथ पे पैर लग गया, तो इसने ऐसे पैर लग गया, फिर इसने ऐसे करके छुआ, ऐसे करके ये छुआ, दिखाओ ऐसे। तो मैंने एक चीज और देखी है, शाइन कैमरा पकड़ो, क्यों ना मैं ये करूं। शाइन कहाँ जा रहे हो? आज भी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला व्लॉग था, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? अच्छा था, मजा भी आया, पर जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें ज्यादा मजा आएगा। हाँ क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं अभी हम, क्योंकि मैं बिगिनर हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। बेसिकली ये ब्लॉग एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग था, जो मेरी न्यू ब्लॉगिंग पार्टनर है मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में जब मिल ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ शूट कर ले, इसलिए हमने ये छोटा सा ब्लॉग दिखाया। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कमेंट में विश करो जो मेरा न्यू ब्लॉगिंग पार्टनर है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्लॉग्स हैं वो सारे उत्तराखंड के ब्लॉग्स हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, पीछे का सीन दिखाता हूँ क्या है। ये देखो मेरे पीछे का सीन, सुबह सुबह उठती मॉर्निंग भी मेरा ये है, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज देवभूमि उत्तराखंड का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देवभूमि उत्तराखंड।